एक तरफ से घर की जवाबदेही और जिम्मेवारी रहती है। लोग सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा दिए मेरा बेटा घर संभालेगा, नौकरी पाएगा, कुछ करेगा घर के लिए, तब इसका शादी भी करेंगे, एक घर वाले की चिंतन रहती है। दूसरी तरफ जब नौकरी नहीं मिलता है, दर दर भटकते हैं, तब लगता है कि हम झारखंड में हैं, झारखंड के बारे में लोगों का क्या धारणा है, और उस जवाबदेही जब निभा नहीं पाते हैं, तब आज पूरे झारखंड के युवाओं में एक तरह से आक्रोश है, ये सरकार कैसा है भाई, ये तो बोला कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे तो घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ये तो दिया नहीं। जो नौकरी के लिए परीक्षा होता है तो उसका क्वेश्चन ही लीक हो जाता है, परीक्षा हुआ भी तो रिजल्ट प्रकाशन से नहीं होता है, प्रकाशन हुआ भी तो फिर कोर्ट में जाकर अटक जाता है। आखिर युवाओं के अंदर में रोजगार पाने का जो रास्ता है वो ही बाधित नजर आ रहा है। खासकर झारखंड के बारे में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जाकर के दिल्ली में बात करें तो बोलता आप किस राज्य से आते हो भाई, आप उसी राज्य से आते हो जहां का मुख्यमंत्री जेल में है, या उस राज्य से आते हो जहां एक बार चुनाव होता है 4 बार बदलते रहता है मुख्यमंत्री, पर यहां का स्थिति ये है। लेकिन दूसरी तरफ अगर झारखंड का पोटेंशियल क्षमता के बारे में बात करें तो झारखंड वह राज्य है जो पूरे भारत को 40% राजस्व देता है। ये आपका क्षमता है, आपके अंदर में यह क्षमता है, आप इतना राजस्व देने वाला राज्य है। आपके अगर यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के नीचे खनिज संपदा, ऊपर में वन संपदा और उसके साथ ऊपर रहने वाले जितने लोग हैं इतने अच्छे हैं कि जो झारखंड में आता है वो जाना नहीं चाहता। किसी को भी पूछना कि झारखंड में आया, पोस्टिंग हुआ, देखना यही बसना चाहता, क्यों? झारखंड सबको सुकून देता है, सबको अच्छा आनंदित लगता है। झारखंड ऐसा प्रदेश है कि जहां लोग आकर के अपने आप को क्या बोलते हैं, आनंदित महसूस करते हैं, सबसे बढ़िया प्रदेश, क्या सुकून के साथ झारखंड बनाया गया है। और हम लोग उसी सोच के साथ इस राज्य को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राज तो बन गया, हम लोग यही सोचते थे कि अलग राज बनेगा तो सबसे समृद्ध राज अगर कोई होगा तो झारखंड राज होगा, ये हम लोग का सपना था। लेकिन झारखंड बना, 23 साल बीत गया, सरकारें बनी गिरती रही, चलती भी रही, लेकिन आज यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं, यहाँ के लोगों का उम्मीद आज भी पूरा नहीं हुआ, आज भी हमारा भूख कोई मिटा नहीं पाया। आज हमारे अंदर में वो आक्रोश है, उस आक्रोश को भी एक मंच देने के लिए आजसू का युवा संगठन हम लोगों ने बनाया है, युवा आजसू बनाया है। हमें बहुत खुशी है कि आपको रांची में ही पूरे प्रदेश के युवाओं का एक साथ समागम होगा और उसका होस्ट होंगे आप लोग। आज सौभाग्यशाली है कि सभी लोगों को एक जगह पर एकत्रित करके उस सम्मेलन का, उस समागम का संचालन करना, व्यवस्थित करना आपके जिम्मे होगा। रांची राजधानी है, राजधानी किसी भी प्रदेश का चेहरा होता है, चेहरा देख करके लोग समझते हैं कि शरीर का स्थिति क्या है। रांची की राजधानी को आप लोग जानते हैं, कहते हैं हर सभी वार्ड से आते हैं, आप ही लोग बता सकते हैं। अगर रांची का तस्वीर को बदलना चाहते हैं, यहाँ के तस्वीर को बदलना चाहते हैं, झारखंड के तस्वीर को और तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो आपको एकजुट होकर के युवा आजसू में आकर के जुड़ना पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह से आज कुछ लोग को बाहर कुर्सी भी नहीं मिल पाया, उतना लोग आ गए, हम लोग को उम्मीद नहीं था कि कितना लोग आएंगे, लेकिन इतना युवा, हम लोग जिस समय आंदोलन में जुड़े थे बहुत कम लोग थे, और जब उतना ही लोग थे लेकिन हम लोग में दम था, कम थे लेकिन दम था, और उतना ही लोग इस केंद्र सरकार को हिला के रख दिए। और झारखंड अगर बना है तो युवाओं के बदौलत ही बना है, और बढ़िया चलेगा तो युवाओं के बदौलत ही चलेगा, यही सुनिश्चित करना है। आज जितने भी नेता देख रहे हैं, उन नेताओं में अगर कोई बेदाग नेता, बहुत दिन मंत्री रहने के बाद भी कोई बेदाग नेता है, वो सुदेश कुमार महतो है, दूसरा कोई नेता नहीं। कोई ऐसा नेता जिनके अंदर में विजन हो, जिनके अंदर में रीजन हो, जो विजनरी हो, रीजन हो, उनके अंदर में सोच हो, वैसा जो दिन रात झारखंड के बारे में सोचता हो, झारखंड की बेहतरी के बारे में सोचता हो, विकास की बुनियाद पर राजनीति करता हो, अगर वैसा कोई नेता है वो सुदेश कुमार महतो है। इसलिए हम आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं, एक एक युवा सुदेश महतो बन के निकलेगा और यहाँ का नेतृत्व संभालेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी लोग को जोहार, जय झारखंड के।